बाबू टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल से चैनल में आप सब लोगों को स्वागत है। दोस्तों, एक दुखी भरी जो कहानी, वो कहानी आप लोगों के साथ मैं कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल ब्लॉग कर लेता हूँ। मैं एक बांग्लादेशी लड़का हूँ, मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। दोस्तों, 9 जून डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का फौत हो गया। आमिर लियाकत साहब कौन है ये लोग आप सब लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, और आप लोग नहीं जानते हैं मैं देखा देता हूँ, रुकिए ज़रा, सब्र करिए। आलिम ऑनलाइन में एक बार दबा कर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपके लाइव कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त लोग, आमिर लियाकत कौन है ये कोई मोहताज का ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ गया मैं किस साहब का बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं भी मेरा YouTube चैनल में, मेरा डिफरेंट YouTube चैनल है, उसमें आमिर लियाकत साहब के बारे में कुछ वीडियो थोड़ा मोड़ा मैं बनाया था, लेकिन मैं वो पब्लिश नहीं किया। मेरा जो मैं भी थोड़ा बहुत उनका जो फनी वीडियोस है वो वीडियो देखता था, और अभी भी समटाइम मैं देखता हूँ। क्योंकि ऐसा जो आदमी होता है ना, इतना सक्सेसफुल बहुत कम लोग होता है इस धरती में। वो एक आलम है, वो एक टेलीविजन पर्सनालिटी है, मीडिया पर्सनालिटी है, एज वेल एज ही वो तीन मैरिड, ही हैज 3 वाइफ, सो बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी है। और ही वॉज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम PTI। वो लोग ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंटेरियन भी थे। दोस्तों, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी बात करने के लिए प्रॉपरली। मेरा जो छोटा मोटा जो मिस्टेक होता है वो कंसीडर करिए। तो दोस्तों, ऐसा आदमी चला गया, वो बहुत ही अल्लाह का फैसला है, जो भी है। तो हम लोगों को उस आदमी के लिए, आमिर लियाकत साहब के लिए बहुत दुआ करना चाहिए। अल्लाह उसको मगफिरत करिए। और अभी भी हम लोग उसके बारे में मीम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके फौत के बाद, उसके मरने के बाद भी। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई देखो, आप लोग भी एक दिन जाएगा इस धरती से, मैं भी जाऊँगा, सब लोगों को जाना पड़ेगा इस धरती से। सो थोड़ा बहुत आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और थोड़ा बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को मैं तकलीफ पहुँचा देता हूँ, और ये सब काम करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके काम के लिए लोग बुरा फील कर रहा है। तो दोस्तों, ये था थोड़ा मोड़ा एक वीडियो है, और अभी मैं ढाका में हूँ। मेरा जो रूम है, छोटा मोटा रूम, गरीबी रूम है ये रूम, इस रूम में। और दोस्तों, महमूद टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल में ढाका के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ, व्लॉग डालता रहता हूँ, और मैं आप लोगों को आप लोगों से ये विनती कर रहा हूँ, ये आवेदन निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाभ करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। और मैं भी अंदर से फील कर रहा हूँ कि मेरा चैनल अच्छा जा रहा है, तो मैं भी आप लोगों के लिए बहुत कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, और बहुत कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सकता हूँ। क्योंकि जब एक कंटेंट क्रिएटर होता है ना, जब उसका अदर्स को इनकम सोर्स नहीं होता, वो कंटेंट बनाता है, जब वो कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत
डिफ़िकल्ट हो जाता है कंटेंट क्रिएट करना। सो आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लव करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बांग्लादेश का कौन किस साइट का और किस टाइप का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों अल्लाह आप सब लोगों को भला करिए। आप लोग जितना भी है इस धरती में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अल्लाह भला करे, सबको अल्लाह खुश रखे, सबको अल्लाह बहुत बहुत इज्जत और सम्मान और पैसा दे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन।